अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ हम किचन में आ चुके थे और हम तैयारी कर रहे थे चीज़ बॉल्स बनाने के लिए। चीज़ बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू लिए थे, 2 से 3 दरमियाने साइज़ के, और आलू हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिए थे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किए थे हम, इसको थोड़ा सख सख रखेंगे ताकि हमारे चीज़ बॉल ईज़िली फ्राई हो सकें और टूटे ना। जब हमारे आलू फ्राई हो चुके थे तो हमने उनको थोड़ा ठंडा करके छील लिया था। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हमने डाला है तकरीबन आधा चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच काली मिर्चों का डालेंगे। ये हमने छोटा चम्मच लिया है और मसाले हमने बहुत कम रखे हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने खाने थे इसलिए। और एंड में हम थोड़ा सा डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद धनिया डाल के हम आलू को बहुत अच्छे से यकजान कर लेंगे कि इसका मिक्सचर बहुत अच्छे से बन जाए। और साथ में हमने मटेरियल भी बनाया था वेजिटेबल का। वेजिटेबल के मटेरियल में हमने डाली थी गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, और थोड़ा सा हमने चिकन भी डाला था। आलू को मैश करने के बाद हमने उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली थी। तकरीबन हमारी 9 से 10 अदद बॉल्स बन गई थी 3 से 4 अदद आलूओं में। मतलब हमने बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स रखी थी, बहुत बड़ी बॉल्स नहीं बनाई थी ताकि हम इसको इजीली हैंडल कर सकें जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो वेजिटेबल का मटेरियल बनाया था थोड़ा सा, वो इसलिए बनाया था ताकि हम बॉल्स के अंदर पहले वेजिटेबल का मटेरियल रखें और फिर उसके बाद में चीज़ रख कर उस बॉल को बंद कर दें और उसके फर्दर हम उसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग में के लिए हमने लिया था मैदा, और मैदे को हमने बहुत ज़्यादा पतला कर लिया था। और बॉल्स जो हमने बनाई थी चीज़ बॉल्स, उसको सबसे पहले मैदे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ये हमारी चीज़ बॉल का मटेरियल तैयार हो जाएगा। हम वन बाय वन आलू, पहले सबसे पहले आलू लेंगे, आलू के अंदर वेजिटेबल का मिक्सचर डालेंगे और फिर उसके अंदर चीज़ डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से बंद करेंगे, उसके ऊपर मैदे का मटेरियल लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम उसको रख देंगे साइड पर। और सारी बॉल्स जब हमारी तैयार हो जाएंगी तो हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि जो हमारे आलू है वो अच्छे से ठंडे हो जाए और वो टूटे ना जब हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो चीज़ बॉल को फ्राई करने के लिए जो सबसे मेन टिप यही होती है कि हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ फ्राई करना है, तेज़ गरम करेंगे। ऑयल जब तक हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होगा तो हमारी चीज़ बहुत टूट जाएंगे अगर, और जब ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम होगा तो हम जल्दी से बॉल्स को उसमें ऐड कर देंगे और जल्दी से हम तेज़ ऑयल में और तेज़ आंच पर ही बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अगर हम आँच हल्के रखेंगे तो हमारी बॉल्स टूट जाएंगी। दूसरी तरफ हमारी अफ्तारी की तैयारी भी हो रही थी, हमारे पकोड़े बन रहे थे, मिक्स पकोड़े और बैंगन के पकोड़े। वो तो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनके बगैर तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर वन बाय वन करके सारी हमारी बॉल्स हो चुकी थी तैयार और अब हम वेट कर रहे थे कि अब हम इसको फ्राई करें। चीज़ बॉल्स हो चुकी थी सब तैयार और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद हम इसको करेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई ताकि जो हमारी बॉल्स टूटे ना। और यहाँ पर हमारी बॉल्स हो चुकी थी तैयार और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई होप कि आपको भी हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।